कबरसिंह कजरार तरना ना कर करे कबर सिंह ओबल्लो तारा रा रा ओबल्लो तारा रा रा कबर सिंह और चली चली रे चली 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 इश्क की हवा चली कबर सिंह तुम गाना क्यों गा रहे हो? अरे भाई अब तुम ही तो कह रहे हो गब्बर सिंह तो मैं गाने गा रहा हूँ। आप बसंती जी के आदमी हो, वो आपके नाम के स्टेस कर रही हूँ, वो इसलिए हम गाना गा रहे हैं एंजॉयमेंट को। तो मैं भाई और भाई बिना डीजे के बिना बॉस कोई भी फंक्शन में मजा नहीं है भाई। किसी भी फंक्शन में कुछ मतलब सुना सुना लगता है। अगर आप किसी शादी में चले जाओ और वहाँ डांस ना म्यूजिक ना तो सब प्रकार भाई सही बोल रहा हूँ दोस्तों, सही बोल रहा हूँ ना। तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ जिस नए बिजनेस के बारे में जो गांव में आप कर सकते हो, वो है डीजे का बिजनेस। अब कई लोगों को सुनने में लगा भाई क्या बता रहा है डीजे का बिजनेस, हमें तो पता है डीजे का बिजनेस। तो बिजनेस तो आपने कोई नई नहीं सुने, जो भी मैं बिजनेस आपको बता रहा हूँ वो कोई नई नहीं है, वो पुराने ही बिजनेस है जो आप करते हुए आ रहे हो। और कई गाँव में देखा है डीजे वाले होंगे भी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनको हम नए तरीके से भी कर सकते हैं ना, नई तरीके से। अब तक क्या चलता आ रहा था, बस शादी थी, कुछ भी था, कोई भी फंक्शन था, बर्थडे फंक्शन था, एनिवर्सरी थी, उसमें भैया ढोके आ रहे हैं, 1-1.5 हज़ार रुपये ले लिए चल दिए। लेकिन वहीं सोचो आप थोड़ा सा और पैसा लगा के अपना डीजे को मस्त कर दो, मस्त डीजे, और थोड़ा सा कोर्स सीख लो, 1-1.5 महीने आप डीजे का कोर्स सीख लो तो पूरे गाँव में धूम मच जाएगी। इवन आपके गाँव में ही नहीं, जो आपके गाँव के चारों ओर गाँव में वहाँ भी आपका डीजे मंगाया जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ डीजे के बिजनेस के बारे में। दोस्तों डीजे का बिजनेस आज देखा जाए काफ़ी फल फूल रहा है, शहरों में तो है इसकी डिमांड। और आपने देखा होगा जो डीजे चौकी होते हैं, और वो एक दिन का, मैंने भी एक फंक्शन किया था उसमें मैंने खुद 2,500 रुपये दिए थे एक दिन के, मतलब 3-4 घंटे उसने डीजे बजाया था। तो 3-4 घंटे के एक फंक्शन में 3-4 हज़ार रुपये एक डीजे चौकी ले रहा है। तो आप खुद अगर उसको सीख लो 1-1.5 महीने में कि कैसे डीजे को बजाया जाता है, कैसे गाने बदले जाते हैं, तो क्या मजा आएगा। अभी आपने देखा होगा डीजे कितना भी अच्छा हो कहीं भी शहर में गांव में, लेकिन अगर उसको बजाने वाला मस्त ना हो तो फिर मजा नहीं आता भाई। लोग कहते जाते हैं अरे डीजे तो ठीक था, वो बजाने वाला ठीक था, क्या घटिया गाने लगाए। तो वो आपके अंदर कला होनी चाहिए। डीजे में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर छोटे बॉक्स लगाए जाएं, देखा जाता है कि गांव में जाता छोटे छोटे बॉक्स हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोग पैसा नहीं दे पाते हैं डीजे का। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत चमकीला धमकीला बहुत 1.5-2 लाख के डीजे लगा दो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो 30-50 हज़ार के बीच में, तो बहुत अच्छा आप डीजे रख सकते हो और 1-1.5 महीने का कोर्स सीख सकते हो। उसके बाद जैसे कि देखा जा रहा है 3-4 घंटे का डीजे वाले लेते हैं 2-3 हज़ार रुपये या 4 हज़ार रुपये, गाँव के मतलब से बता रहा हूँ, आप ले सकते हो। थोड़ा उसमें अगर ढुलाई का भी खर्च देखा जाए तो 300-400 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा इतना ढुलाई का खर्च आता है, मतलब एक दिन का आपका 2-2.5 हज़ार रुपये आपका बन जाता है। उसमें भी अगर आप जो सामान उठा रहे हैं लोड अनलोड कर रहे हैं मतलब गाड़ी में, तो चलो उसको भी अगर 400-500 हटाया जाए या 600-700 रुपये भी हटाया जाए तो तब भी आप 1500 रुपये तक तो आप कमाई लो। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा और मजा कर दो, अपना जो डीजे है उसको फैला दो पूरे गांव में, चारों ओर फैला दो, भैया लोगों के जुबान में होना चाहिए कि वो डीजे वाला इतना अच्छा डीजे बजाता है, उसी डीजे वाले को बुलाया जाए, वो सीखा हुआ है और कितनी अच्छी मिक्सिंग करता है, क्या अच्छे गाना बजाता है। तो हर फंक्शन में, चाहे वो किसी का रिटायरमेंट फंक्शन हो, किसी का बर्थडे फंक्शन हो, किसी की एनिवर्सरी हो, किसी की शादी हो, कुछ हो, मेहंदी हो, सिर्फ आपका डीजे आएगा। बहुत लोग आज डीजे में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब इसमें देखा जाता है कि कई टाइम में शादियां नहीं होती, लेकिन क्या सिर्फ शादियों के लिए, आजकल तो लोग हर किसी फंक्शन में डीजे वाले को बुला रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो छोटे मोटे फंक्शन हो उसमें थोड़ा कम पैसा ले सकते हो, जैसे किसी की एनिवर्सरी हुई, किसी का रिटायरमेंट फंक्शन हुआ, किसी का नामकरण हुआ, थोड़ा कम पैसे कर दो। वहाँ पर आपको क्या होगा, आप नुकसान में नहीं आएंगे, थोड़ा आप अपना मार्जिन कम कर देंगे तो आप नुकसान में नहीं आएंगे। अगर आपने वही अपनी तड़ रखी, नहीं जी जो पैसा मैं शादी में लेता हूँ मैं 4,000 रुपये ही लूंगा तभी आऊंगा मैं, तो थोड़ा आपको यहाँ पे थोड़ा इस एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, थोड़ा आपको कम मार्जिन रखना पड़ेगा, या थोड़ा कोई ऑफर लाने पड़ेंगे, अपना कार्ड बनाना पड़ेगा, एक
लोगों को देना पड़ेगा, अपनी पंपलेट्स बांटनी पड़ेंगी, भैया ये डीजे की मैं दुकान खोल रहा हूँ, आपको ये ऑफर मिलेगा, अगर शादी के टाइम आप डीजे लगाते हो तो आपको नामकरण के टाइम इसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट का जमाना चल रहा है, मानते हो ना इस बात को? आजकल हम हर शादियों में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं पहाड़ी गानों की धुन, पहाड़ी गाने, यहाँ पहाड़ी गाने, वहाँ पहाड़ी गाने। तो आपको लोगों का टेस्ट पता होना चाहिए कि मैं किस जगह पे काम कर रहा हूँ। अगर आप उत्तराखंड में हो तो आप अगर किसी शादी में जाते हो, किसी भी फंक्शन में जाते हो, आपको फोकस रखना होगा गढ़वाली गानों में, कुमाऊनी गानों में। तो उसका पूरा कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, आपको पूरा लेटेस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा गाना चल रहा है, कौन सा गाना नहीं चल रहा, कौन सा पुराना गाना चल रहा है। तो आपके पास पूरा कलेक्शन होगा। आप इस काम को अगर पूरी मेहनत से करोगे, पूरी लगन से करोगे तो बहुत अच्छा चलेगा आपका। एक छोटी सी आपको दुकान लेनी होगी जहाँ आपका सारा सामान रख सकते हो आप यहाँ पर, तो वहीं से आप ऑपरेट करिए। कभी फ़ोन भी कर सकते हो अपने कस्टमर्स को, है ना, कि उनका फ़ोन नंबर नोट करिए रजिस्टर में और एड्रेस नोट कर लीजिए, उनको कभी कभी फ़ोन कर सकते हैं, सर आपके वहाँ कोई भी फंक्शन होगा प्लीज़ हमें बुलाइए, हम आपको ये ऑफर देते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये करना पड़ता है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए। बिजनेस किसका ठप होता है जिनको बात करने का तरीका नहीं है, या किस तरीके से डील करनी है, किस तरीके से काम करना है, वो लोगों का बिजनेस आगे नहीं चल पाता। अगर आपको ये तरीका आ जाए, अपनी जबान मीठी कर दो, तो आपका काम भी मीठा हो जाएगा। दोस्तों आज का जो हमारा बिजनेस था, डीजे का बिजनेस था, और डीजे के बिना काम नहीं चलता है कहीं भी। तो आप लोग खोल सकते हो, कुछ भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी डाल दूंगा, वैसे मैं डालते रहता हूँ। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।